पंचकुला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन सीएम मनोहर लाल ने किया। कार्यक्रम में शिरकत, कहा महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत गांव को मिलेगी 24 घंटे बिजली। कुरुक्षेत्र में पुरुष पुलिस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, 2 नवम्बर को होगी पुलिस परीक्षा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस पर वार, कहा उपचुनाव को लेकर गलतफहमी में है कांग्रेस, बीजेपी जनता को मालिक समझकर करती है काम। त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग टीम, दूध पनीर की डेयरियों पर मारे छापे। सीएम फ्लाइंग टीम ने कलेक्ट किए कई सैंपल। अनु में ऑटो और टैंकर की हुई टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग सहित 6 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, डीएपी खाद ना मिलने से नाराज किसान, किसान कर रहे प्रशासन और सरकार के खिलाफ लगातार विरोध, लगातार नारेबाजी हो रही है, जाम के कारण राहगीर काफी परेशान हो रहे हैं। कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान नाराज, पेहवा चौक पर लगाया जाम, नाराज किसान कर रहे प्रशासन और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी, जाम के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, किसान नाराज हैं। कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएपी खाद न मिलने से किसान नाराज, तो प्रशासन के खिलाफ सरकार के खिलाफ लगातार किसानों की ओर से नारेबाजी की जा रही है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कैथल में लगातार जिस तरीके से डीएपी खाद न मिलने से किसान नाराज हैं, पेहवा चौक पूरा जाम कर दिया है और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, आने जाने वाले लोग जो है काफी परेशान है, किसान भी परेशान है क्योंकि उनको डीएपी खाद नहीं मिल रहा और जो किसान लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि किसानों को डीएपी खाद दी जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन बार बार तो किसानों को आश्वासन दे रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो खाद मिल नहीं पा रहा है, जिस कारण किसानों को जाम लगाना पड़ रहा है। 2-3 दिन पहले जो है किसानों ने जो है एक जो गोदाम भी पकड़वाया था जहाँ पर जो है डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही थी और उसके बाद जो है उसके ऊपर प्रशासन ने पुलिस केस भी दर्ज किया था और आज फिर जो है किसानों ने जाम लगाया। किसानों का ये आरोप है कि प्रशासन जो है वो जो डीएपी खाद के डीलर हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है और जिस वजह से उनको खाद नहीं मिल रही है और डीएपी जो खाद के डीलर हैं वो औने पौने दामों में जो है कालाबाजारी कर रहे हैं और जो जरूरतमंद है उनको खाद नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा, कोई अधिकारी वहां तक पहुंचा है अभी तक, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के लिए काफी समस्याओं की बात है ये। जी देखिए, अगर पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल मौके पर पहुंच चुकी है और जो आला अधिकारी हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको मैसेज दे दिया गया है, अभी जो है वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारी भी जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर जो है कोई सरकार की कोई दखलअंदाजी हो या कई बड़े नेता जो है उसके अंदर शामिल हो, क्योंकि खाद की जो है लगातार कालाबाजारी हो रही है और किसान जो है जाम लगा रहे हैं और उसके बावजूद जो है प्रशासन हर बार आश्वासन देता है, आंकड़े भी दिखाता है कि हमारे पास खाद इतना अवेलेबल है, लेकिन धरातल पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। तो साथ ही साथ इस खबर पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां पर मौजूद उनसे भी बातचीत की गई है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है।
ये जी डीएपी की समस्या है जी किसान में, समस्या तो सारी है किसान की, कोई ना जीरी का समाधान हो रहा, नहीं डीएपी बदल तो 15 दिन हो गए जी, दोबारा किसान रोनी करनी पड़ रही है जी, बत्तरबाद जाना आ रही है जी, 15 दिन पीछा पवाने के क्यों होगी जी, वो कोई क्यों नहीं होती जी, 10 दिन हो गए आवा जी, यहाँ बैठे हैं जी भाई जी, वीरवार ने यहाँ जाम लगाया था जी, अरे एस डी एम साहब ने आकर खुलवाया था जी कि 20 मार ना अपना खाद मिल जाएगा जी, आता 3-4 दिन हो गए, मतलब रोज गेड़े मार लग रहे हैं, चोट लग रही है, फिर मैं आऊँ डेली, आज मैं 5:30 बजे आकर बैठे दुकान का 8:30 आकर बोले मेरा कुछ मिलता, जवाब दे दिया बोले दिवाली के बाद आई हो, क्या नाम है, कहाँ से डोर से आए जी, बात करें नाम दो, तो सुना आपने किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर। बढ़ते हैं आगे तो एलनाबाद की बात कर लेते हैं। एलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरा होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3-लेयर सुरक्षा में रखा गया है, स्ट्रांग रूम सील किया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। बीएसएफ की बात कर ले तो बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनात किया जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल फोन, बेल्ट, कॉपी पेन और दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सभी को बाहर रख लिया जाएगा। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया है कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील की है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3-लेयर में सुरक्षा होगी, तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रॉन्ग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मेड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्म की जो लगाई है एक प्लाटून, वो उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है, अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है, दोनों तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए प्राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई, तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे वही आएंगे। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री पर और फोड़ने पर बैन लगा दिया गया, जिसमें फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, भिवानी है, चरखी दादरी है और इसके साथ ही 14 जिले शामिल है। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम समेत कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने परंपरागत दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को यहां 1100 रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अवसर पर महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत प्रदेशों के 5485 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बाकी 1000 गांवों को भी शीघ्र ही इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। सरकार
26 अक्टूबर 2014 को बनी थी और फिर दूसरा सत्र दीपावली के अंदर 27 अक्टूबर 2019 को हमने संभाला था। तो 5 और 7 वर्ष का यह कार्यकाल ये भी 3 दिन पहले हमारा पूरा पूरा हुआ और 8वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। तो फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSVP कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 12 में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम और देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत सरकार और अब खबर पलवल से है। पलवल में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सरस्वती महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला और जगदीश नायर समेत कई लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। वही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित और वंदे मातरम के साथ की गयी। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी अमृत महोत्सव श्रृंखला में रेवाड़ी के शिव चौक स्थित बाल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव और DC यशेंद्र सिंह मौजूद रहे। ये रन फॉर यूनिटी एक देश में बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से शुरू हुई थी। तो इससे बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे नेशन में जाता है और खास करके जो युवा पीढ़ी है उसके लिए रन फॉर यूनिटी कराई जाती है। अपने हरियाणा डिपार्टमेंट में भी इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना, जैसे गुड़गांव में प्लान किया था लेकिन किसी कारणवश वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो इसलिए छोटे स्तर पर किया है। आगे आगे ये और बड़ा होगा और इस मैसेज को आगे तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले जाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उन सब के लिए। रन फॉर यूनिटी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि देश में हम जो है यूथ को एक पॉजिटिव सोच की तरफ और देश में जो है इनके पॉजिटिव योगदान को जो है और हम जो है कित हाईली स्पीड से यूज़ कर सकें, इसकी का एक पार्ट है। इसको हम जो है आज़ादी का 75वां जो हमारा सप्ताह जो महोत्सव चलेगा उसी का एक पार्ट है ये। इसका पहले तो एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था लेकिन किसी कारणवश जो है वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और उसके बाद सभी जिला मुख्यालय पर ये जनरल फॉर्मिटी का कार्यक्रम किया गया। लगभग जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 200 के करीब जैसे कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है उनको जो है फॉलो करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। इससे आप देखते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है। तो कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाली पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। 2 नवंबर को पुरुष पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होनी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा इस परीक्षा के संबंध में जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। हमारे करीब कुरुक्षेत्र में 60 सेंटर्स हैं जिसमें 3 दिन के लिए ये सिपाही की भर्ती का एग्ज़ाम चलेगा और सुबह से सारे अफसर हमारे सारे मुलाजिम काफ़ी सख्ती से इसमें अच्छी चेकिंग करते हुए अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम ये परीक्षा को संपन्न करवाएंगे, पूर्ण करवाएंगे और अभी तक बहुत पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है और आशा है कि आगे भी 2-3 दिन तक ही अच्छे से एग्ज़ाम हम संपन्न करवाएंगे।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी ना पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कि कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है जिसने सरकार के पराली प्रबंध का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। कृषि मंत्री ने धनाना गांव के बारे में यहां पर बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही एक सप्ताह में धान की फसल में खड़े हुए पानी को निकालने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान को नुकसान हुआ होगा तो वो किसान के नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जिलों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया, हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है, पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। चलिए झज्जर की बात कर लेते हैं। झज्जर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही प्रदेश की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत ने कहा था कि किसानों को MSP नहीं मिली तो वो त्याग पत्र दे देंगे। अब जब किसानों को MSP नहीं मिली है तो उन्हें त्याग पत्र जल्द से जल्द दे देना चाहिए। क्योंकि जिस गरीब का इंतजार था आपके बेटे ने तो आपके लोकप्रिय सांसद युवा दलों की तरफ माननीय अधिकारी किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई कर रहे हैं लेकिन आज तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 86 के शिरडी साई मंदिर में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस रोजगार मेले की बहुत जरूरत थी। बेरोजगार युवाओं को ऐसे अवसर मिलते रहने चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सके। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार के सहयोग से ये रोजगार मेला लगाया गया। 200 बच्चों के यहाँ साक्षात्कार से इस रोजगार मेले में दिए गए जहाँ पर 100 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ और उन्हें तुरंत अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया। विधायक राजेश नागर ने बताया कि हम आगे भी इस तरह के रोजगार मेले लगाते रहेंगे ताकि बेरोजगार युवक अपने रास्ते से न भटके और देश हित में कार्य करें। आज हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं नरेश नंबरदार, उन्होंने एक रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों के, बच्चों के, युवाओं के इंटरव्यू हुए और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया और उनको रोजगार यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कंपनी आई थी? 15 से 20 कंपनी करीब आई है यहाँ पर, जिसमें MNCs भी हैं कई और उनकी पे स्केल भी 18,000 के करीब है जो हमारी हरियाणा से ज़्यादा पे स्केल होते रहे।
तो लोहारो हल्के के सिवानी केनाल के पंप हाउसों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 50 से 60 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाने का निर्देश दे दिया गया है। पंप सेट बदलने के बाद तो शाम और सिवानी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं बहल गांव से गला घोटू और मुंह खुर रोग के पशुओं के टीकाकरण की भी शुरुआत की। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके हल के निर्देश दिए। साथ ही बहल के बाजार के दुकानदारों और व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। तो दीपावली के त्योहार पर नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के मकसद से खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को पोहाना में चल रही दूध पनीर की डेयरियों पर सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर दूध, क्रीम और पनीर के सैंपल इकट्ठा किए, जिससे शहर में चल रही दर्जनों डेयरियों में हड़कंप मच गया और डेयरी संचालक अपनी अपनी डेयरियों को बंद करके भाग गए। वहीं जिला फूड सेफ्टी अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि विभाग को बार बार शिकायत मिल रही थी कि पोहाना में स्थित डेयरियों पर पाउडर का प्रयोग कर पनीर और दूध बनाया जाता है। जितनी भी डेयरियां हैं आसपास, सभी बहुत ज्यादा शिकायत जारी है सीएम फ्लाइंग के पास। तो हमने यहाँ से तीन सैंपल लिए, एक मिलता है, एक एडगी है। मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। ये पनीर की जो जितनी भी डेयरियां हैं आसपास, सभी बहुत ज्यादा शिकायत जारी है सीएम फ्लाइंग के पास। तो हमने यहाँ से तीन सैंपल लिए हैं, एक पनीर का है, एक क्रीम का है और एक दूध का है। और इससे पहले भी एक नसीम डेयरी है अपने पुनाणा में ही, वहीं गए थे, वहाँ पे भी तीन सैंपल लिए। सबने रेड किए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। ये पनीर की जो जितनी भी डेयरियाँ हैं आसपास, सब तो देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस त्योहार पर सबसे ज्यादा प्रकाश फैलाने वाले मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगर दीपों की कम बिक्री से परेशान हैं। तो शाम में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन और त्योहार पर दीपक बनाने का काम कारीगर बड़े जोरों शोरों से करते हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी और सुविधाओं के अभाव में इनका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती, यहां तक कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक और अन्य सामान भी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता, जबकि अन्य कई राज्यों में चाक और अन्य सामान मुफ्त में कारीगरों को दिए जाते हैं। दीपावली आने वाली है, दो तीन दिन रह रहे हैं, लोग ज़्यादातर जो है ना चाइनीज़ सामान ले रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। और लोग जो है ना सब ज़्यादा चाइनीज़ लड़ी वगैरह दीपक की तरह भाग रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। खबर सोनीपत से है। सोनीपत के मुरथल थान से महज 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कार में सवार दो बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे और यहां से 14,500 रुपए का डीजल डलवाकर रफू चक्कर हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पंचकुला जिले के कालका के साथ लगते गांव टीपरा में कुछ बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। बदमाशों ने युवक पर बेसबॉल के बैट और लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। आरोपितों ने युवक को घायल कर उससे 1,00,000 कैश और सोने की चेन छीन कर यहां से फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक के दोनों पैर भी तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से भाग निकले। वहीं घायल युवक की पहचान सौरभ शर्मा के तौर पर हुई है। आरोपितों द्वारा किए गए हमले में सौरभ की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। आप
तो करनाल के तरावड़ी के पास नहर में एटीएम मशीन मिली है। ये एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ हैदरसल कुरुक्षेत्र से पिहोवा में फरवरी में लुटेरों ने बैंक के एटीएम को उखाड़ा था और उसके बाद उस एटीएम मशीन से 14 लाख रुपए से ज्यादा निकालकर एटीएम मशीन को नहर में फेंक दिया था। मशीन को करनाल और कुरुक्षेत्र पुलिस ने ढूंढने की कोशिश भी की थी लेकिन मशीन मिली नहीं थी, जिसके बाद इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने बताया था कि हमने एटीएम मशीन को तरावड़ी के पास नहर में फेंक दिया था। मैं सिटी पेवा से यहाँ आया हूँ। 2020 में फरवरी में एक एटीएम चोरी हुआ था जी, स्टेट बैंक का, जो चोर गिरफ्तार किए गए थे और चोरों ने अपनी निशानदेही के मुताबिक वह मशीन मैंने इस नहर में डाल दी थी। जो उस समय गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पानी जा रहा था तो मशीन नहीं मिली है। अब नहर का पानी कम हो गया है, जो गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने फिर कोशिश की तो ये एटीएम मशीन यहाँ पर मिली है। तो निकालेंगे इसको, जो इसको निकालेंगे। कितने पैसे थे इस समय इसमें? इसमें सर 14,17,500 रुपये। तो पलवल जिले के गांव भिड़ूकी में यहां इंटेंशन तारों की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हसनपुर होटल रोड पर बच्ची का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव भिड़ूकी निवासी चंद्रवीर ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी और कहा कि उसने मकान के ऊपर से 11,000 हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है। लाइन को हटाने को लेकर कई बार बिजली विभाग में शिकायत भी दी गई लेकिन सुनवाई नहीं की गई। सुबह करीब 9 बजे उसकी 3 साल की बच्ची परी, जिसका नाम, वो छत पर खेल रही थी। खेलते समय बच्ची हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज है इसमें जी, करंट लगने से मौत हुई, उसकी बिजली का करंट लगने से बच्ची की मौत। केस कैसे लगा ये, क्या मामला? वो तार जा रहे हैं उस मकान के ऊपर के, वो कोई टच हो गया। अच्छा, तो अब आपने क्या कार्रवाई करी? मुकदमा दर्ज 304 है। किस किस बोर्ड? चलिए इसी के साथ हर खबर हरियाणा में मेरे साथ इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।